हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो भाई आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो भाई जिसको देख रहे हैं भाई, बस माइनक्राफ्ट लगा पड़ा है भाई, ट्रेंडिंग में चल रहा है, पूरा पूरा दबा के ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो भाई मैंने सोचा भाई हम भी क्यों ना भाई इसकी गेम प्ले सीरीज स्टार्ट की जाए। तो भाई चलिए देखते हैं। अभी हमें सबसे पहले अपना वर्ल्ड बनाना है भाई। हमारे वर्ल्ड का नाम होगा, क्या नाम रखो अपने वर्ल्ड का? हमारे वर्ल्ड का नाम अभी भाई कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। हमारे वर्ल्ड का नाम क्या रखूँ मैं? हाँ भाई, हमारे वर्ल्ड का नाम होगा भाई एसगार्ड भाई, क्योंकि मैं मार्वल्स अवेंजर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और भाई थॉर का तो सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए हमारे वर्ल्ड का नाम होगा एसगार्ड। और भाई सब कुछ कैपिटल में आएगा ये। तो लो भाई, हमारे वर्ल्ड का नाम तो हमने देख लिया। भाई अभी से सर्वाइवल पर कर देते हैं। तो चलो गाइस, अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं गेम। और भाई हमारा गेम अभी, हमारा जो वर्ल्ड है भाई, वो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, बस कुछ सेकंड बाद ही आ जाएगा एकदम। तो भाई बस एकदम बढ़िया सी जगह पे स्पॉन होना चाहिए हमारा कैरेक्टर। और भाई कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं ले रहा है। आ गया आ गया। तो भाई अभी अगर हमें इसमें भाई अपनी ज़िंदगी बनानी है, तो भाई हमें सबसे पहले तो भाई इसमें हमें वुड चाहिए, जो कि हमें पेड़ों से मिल जाएगी। तो भाई चलो सबसे पहले थोड़े से ट्री काटने चलते हैं। और भाई एक मुझे अच्छी सी जगह भी चाहिए जहाँ पर मैं अपना ख़तरनाक सा कोई घर बना सकूँ। और ये मधुमक्खी यहाँ क्या कर रही है उड़ती हुई? अभी भाई जल्दी से मैं जाकर भाई वुड कलेक्ट करता हूँ। और भाई ये देखो, ये इस गेम का सबसे खतरनाक सीन है, मतलब कि भाई एक लकड़ी का ब्लॉक, वुड का ब्लॉक हम अपने मुक्के मार मार के भाई इस तरह तोड़ दे जैसे बस हमारे पास कोई खतरनाक सी शक्ति हो। भाई बाहुबली ने अपना हाथ उठा के हमारे अंदर फिट कर दिया, वैसी शक्ति है भाई हमारे पास इस गेम में। और भाई इतनी जल्दी भाई, और रात किस तरह हो गई इसमें, मैं ज़ोंबी जिंदा मार देंगे मुझे। जल्दी से भाई अभी कोई विलेज ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो भाई आते ही साथ ऐसा पटक के मारेंगे भाई, उठा ही नहीं उठना मैं। जल्दी से भाई मुझे कोई विलेज देखनी पड़ेगी, नहीं तो भाई साहब आज की रात तो समझे हो गई काली हमारी ज़ोंबी ने। अभी तो हम इस गेम में ठीक तरह आए भी नहीं थे, इतनी जल्दी रात कर दी आते साथ चीटिंग। और भाई सामने विलेज मिल गई मुझे, चलो भाई हाश मिल गई विलेज भाई। जल्दी से किसी घर में जाकर भाई एक आराम से सो लेते हैं। और भाई विलेज भी काफ़ी बढ़िया सी है, तो भाई इसी घर में चलते हैं सोने। अभी तो फिर सुबह को अपने दोबारा काम पर चलेंगे, जब हमें वुड कलेक्ट करनी थी उसी पर। तो भाई अगला दिन जो है हो चुका है माइनक्राफ्ट में। और भाई ये विलेज भाई साहब कितनी सही विलेज है, मतलब। और भाई हॉर्स भी खड़ा है, लेकिन एक ज़ोंबी भी खड़ा था भाई, बहुत छेद था मुझे यहाँ पकड़ के, इसलिए बस यहाँ से निकल लो। हमें अभी अपना घर बनाने पर ध्यान देना, अभी मैं वही करने जा रहा हूँ। और हाँ, ये मुझे एक आगे शीप दिख गई, इसकी आज मैं बहुत बुरी वो बनाऊँगा, क्योंकि भाई इससे हमें मिलेगा वूली से मारकर, और भाई थोड़ा सा खाना भी मिलेगा। और भाई वूल से हम अपना बेड बना सकते हैं, और भाई बेड बनाते हैं तो इस गेम में हमारी ज़िंदगी से सफल हो जाए एकदम से, जैसे भाई हमने अपना आधा गेम जो है पूरा ख़त्म कर लिया हो। और यहाँ पर भाई कुछ ट्री के ब्लॉक जो हैं भाई ऐसे ही पड़े हैं, इन्हीं को तोड़ के निकल लेता हूँ यहाँ से। और भाई ये पता नहीं क्यों आगे को निकल जाए एकदम।
अभी हमारे पास टोटल 9 ब्लॉक हो चुके हैं वुड के। और भाई साहब इन्हें अगर हम भाई अपने मतलब क्राफ्टिंग उसमें रखेंगे तो भाई इनसे हमें मिल जाएंगे वुडन प्लैंक्स। वुडन प्लैंक से हम अपना वुड का माइन, वुड का पिकैक्स बना सकते हैं और भाई बहुत सारे सॉर्ड भी बना सकते हैं। इसलिए भाई वुड इस गेम में बहुत ज़रूरी है इकट्ठी करनी। तो चलो भाई टोटल मेरे पास अभी 13 ब्रिक वुड ब्लॉक हो चुके हैं। अब मैं जल्दी से यहाँ से वो वुडन प्लैंक्स बनाता हूँ। सबसे पहले तो अपने लिए कोई सही सा मतलब भाई एक जगह ढूंढता हूँ भाई साफ सुथरी सी, जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूँ। और भाई जगह ये वाली तो नहीं भाई, ये वाली कुछ ज़्यादा ही मतलब भाई ऊपर नीचे भाई एक प्लेन सा बिल्कुल फ्लैट सा भाई वो चाहिए मुझे सरफेस, जिसके ऊपर मैं अपना आलीशान सा घर बना सकूँ। और भाई यहाँ अभी तक तो मुझे कोई भी ऐसा वो नहीं मिला कोई सही सरफेस। तो भाई और आगे चल के देखते हैं। और देखो भाई मुझे वहाँ पर एक और वो शिप दिख गई, अब इसको भी मैं मारूंगा भाई। दोनों मिली नहीं भाई, एक साथ हैं दोनों कैरियर है। दूसरी वाली को तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन भाई वाइट वाली को मैं मारूंगा, क्योंकि भाई इसके लिए मुझे 3 वूल के वो चाहिए ब्लॉक, जिससे हमारा बेड बनेगा, और भाई वुडन प्लैंक्स चाहिए उसके लिए। तो लो भाई अभी हमारे पास खाना भी है, और भाई 2 हमारे पास मतलब वूल हो चुके हैं, अब बस एक वूल चाहिए। और यहाँ ब्लैक वाली शिफ्ट घूम रही है, इसको भी हम नहीं मारेंगे अभी। तो भाई मुझे भाई अपने घर के लिए भाई ये जगह सही लग रही है भाई, ये डेजर्ट सा थोड़ा सा मतलब ये अच्छी खासी भाई कोई बड़ी सी जगह है, यहीं पर मैं अपना घर बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं पहले वुडन प्लैंक्स बना लेता हूँ, जो मैं ब्रिक लोग इकट्ठे करके लाया था। और भाई अभी हमने 16 ब्लॉक वुडन प्लैंक्स के ब्लॉक बना लिए हैं। तो बस भाई अभी पहले भाई मैं 16 से ही काम करके देखता हूँ। और सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल भी हमें चाहिए एक। चलो भाई हमारी क्राफ्टिंग टेबल भी बन चुकी है। तो भाई अब हम अपना यहाँ पर इसी जो हमें वुडन प्लैंक्स मिले हैं इनसे ये अभी अपना घर बनाएंगे। बाद में फिर उसे आगे आगे जो एपिसोड आते जाएंगे उसमें हम उसे और अच्छा करते हैं, और अच्छा कर दूंगा भाई मैं उसे कोबल स्टोन का भाई मतलब पूरा अपग्रेड कर दूंगा अपने घर को। तो भाई अभी हमारे पास जो है वुडन प्लैंक्स ख़त्म हो चुके हैं, अभी और बनाने पड़ेंगे। 16 मैंने और बना लिए। तो भाई अभी तो हम अपना बस एक छोटा सा भाई कमरा ही बनाएंगे, जिसमें हमारा बेड, क्राफ्टिंग टेबल, और भाई अभी हमें फर्नेस भी बनाना है, जिसके लिए अभी हमें कोबल स्टोन इकट्ठे करने पड़ेंगे। और भाई कोबल स्टोन को तोड़ने के लिए हमें एक वुडन पिकेक्स बनाना पड़ेगा पहले तो। तो भाई अभी हमारे पास फिर से वुडन प्लैंक ख़त्म हो गया, बस जितने हैं इन सब के बना ले भाई। टोटल 20 वुडन प्लैंक्स बन चुके हैं, अब बस इनसे काम हो जाना चाहिए हमारा। ये कहाँ से इसे तोड़ता हूँ अभी। तो भाई बस इसकी जो मेरा घर की अभी दीवार है भाई वो इतनी मैं मतलब उसकी हाइट इतनी रखने वाला हूँ, ज़्यादा ऊंचाई में नहीं लेके जाऊँगा उसे, क्योंकि भाई अभी ये हमारा परमानेंट जो है भाई ये सिर्फ अभी टेम्पररी है। आगे वाले एपिसोड में अपना और भी बढ़िया घर बनाऊँगा। तो बस भाई हमारी क्राफ्टिंग टेबल यहाँ रख दी मैंने भाई। हमें बेड के लिए भाई एक वूल और चाहिए। तो भाई चलो भाई एक और वूल देखने चलते हैं यहीं कहीं पर, अगर कोई भीड़ होगी तो।
और भाई इधर तो भाई गायें फिर रही है। वो रही भाई सामने, मुझे दिख गई, अब नहीं बचती मेरे हाथ से। ये बाहुबली का हाथ है, ये लगा मुक्का मुँह पे। सॉरी भेड़, तुझे मार कर मैं अपना बेड बनाऊंगा। तो लीजिए गाइस, अब हम अपना बेड बना सकते हैं। तो अभी हम अपना बेड बनाएंगे, सबसे पहले वाला है वाइट कलर का। तो लो भाई, हमारा बेड जो है बन चुका है, हमारी आधी ज़िंदगी सफल हो गई माइनक्राफ्ट में। और भाई बेड में लगाऊंगा इस जगह पर। और भाई अभी हमें चाहिए भाई एक गेट यहाँ पर, और भाई कोबल स्टोन। तो देखता हूँ भाई गेट। तो भाई अभी हमें और ज़्यादा लकड़ियाँ चाहिए, वुडन प्लैंक्स अभी और चाहिए हमें। तो भाई मैं थोड़ी और वुड इकट्ठी करने चलता हूँ। और भाई ये कौन से वुड है, ये रुक जाओ मैं 1 मिनट तोड़ के देखता हूँ ये कौन से वुड है। तो भाई अब देखता हूँ ये कौन सी वुड है। तो भाई ये वाले तो भाई ओक के वुड प्लैंक्स है, लेकिन ये भी हमें नहीं चाहिए। हमें अभी चाहिए ब्रिक वुडन प्लैंक्स। तो उसके लिए हमें जो दूसरे टाइप के पेड़ होते हैं व्हाइट कलर के, उन्हें तोड़ करना पड़ेगा। तो भाई अभी मैं उन्हीं को तोड़ने निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि तो भाई उन वाले पेड़ों की लकड़ियों से ही हमें भाई ये वाले ब्रिक वुडन प्लैंक्स मिलेंगे, जिनसे भाई हम अपना ब्रिक का गेट बना सकते हैं। और भाई इस गाय से भी मुझे थोड़ा सा और खाना चाहिए, खाने की कमी हो रही है अभी हमारे पास। और भाई लेदर भी हमें इस गाय से मिल चुका है, दो हमें लेदर के टुकड़े भी मिल चुके हैं इस गाय से। तो भाई अभी मैं जल्दी जल्दी भाई जो है ये वुडन प्लैंक्स इकट्ठे कर लेता हूँ, और शायद भाई थोड़ी देर में रात भी होने वाली, फिर वो ज़ॉम्बी आके गुद्दी पर एक्ट हमारे। तो बस तो अभी तो मैंने सिर्फ 4 ही ब्लॉक इकट्ठे करे, इन्हीं से भाई हमारे कम से कम भाई 20 वुडन प्लैंक्स तो भाई बन ही जाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा। तो अब देखता हूँ कि हमारे वुडन प्लैंक्स कितने बन सकते हैं अभी। तो भाई अभी मैं जो है डोर के लिए वो करता हूँ। तो ये तो भाई जंगल डोर है, इसके लिए हमें दूसरी टाइप के वुड चाहिए होंगे। तो बस भाई हमें 3 वुडन प्लैंक्स चाहिए। तो भाई 3 तो इस 4 जो मैं बोलो। ओ भाई रात हो गई इतनी जल्दी, जल्दी से भाई गेट बना के लगाऊं। अभी तो भाई पहले यहाँ पर मैं ब्लॉक ही लगा दूँ, कभी ज़ॉम्बी अंदर आ जाए। तो और भाई अभी बस सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पर भाई सो लेता हूँ, फिर सुबह को करूँगा जो काम करना है। तो चलो भाई, एक और दिन हमारा नया आ चुका है, और भाई अब मैं बनाऊँगा गेट। ये रहा भाई 3 3 गेट बन गए हमारे। चलो अच्छी बात है। तो चलो अब मैं अपना गेट लगा देता हूँ, बाहर को जाके लगाऊंगा थोड़ा सा, ताकि अंदर से थोड़ा खुला खुला लगे घर। और भाई अभी मैं थोड़े से अपने पिकेक्स और भाई सॉर्ड भी बना लेता हूँ। उसके लिए भाई पहले हमें स्टिक थोड़ी सी चाहिए होंगी शायद। हाँ भाई थोड़ी सी स्टिक, पहले मैं स्टिक क्राफ्ट करनी पड़ेंगे मुझे पहले। भाई टोटल हमने 4 ही स्टिक कर लिया, और भाई एक वुडन पिकेक्स और एक भाई मैं सॉर्ड बना लेता हूँ।
और भाई हाँ ये एक चेस्ट भी बना लेता हूँ अभी तो। चलो भाई क्योंकि भाई हमारी अभी हमारी इन्वेंटरी थोड़ी सी फुल है, इसके लिए मैंने चेस्ट बना लिया है। तो भाई चेस्ट में लाऊंगा इस जगह पर, बिल्कुल क्राफ्टिंग टेबल के साइड में। और यहाँ पर मैं अपना जो फालतू का सामान है वो स्टोर करा देता हूँ, जैसे स्टिक हो रही है भाई, लेदर, और भाई गेट गेट भी भाई स्टोर करा देता हूँ अभी इसी में। तो भाई चलो अभी हमारे पास वुडन पिकेक्स आ चुके हैं, तो अब थोड़े से कोबल स्टोन इकट्ठे करने में हम चलते हैं यहाँ से। तो भाई कोबल स्टोन भाई मुझे उस जो पहाड़ है भाई वहाँ, लेकिन वो बहुत दूर हो गया अभी, तो भाई इस वाले पहाड़ पर हम चलते हैं। ये भाई कोबल स्टोन अगर हमने जैसे इकट्ठे कर लिया तो भाई हम ये जो हमारे वुडन का पिकेक्स है इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं कोबल स्टोन के। भाई जो स्टोन पिकेक्स है उसका और भी ज़्यादा डैमेज होगा, और भाई सॉर्ड भी हम स्टोन के बनाएंगे। तभी भाई मैं जल्दी जल्दी भाई कोबल स्टोन इकट्ठे कर लेता हूँ। तो भाई अभी हमें और कोबल स्टोन चाहिए, जिसके लिए बहुत मतलब कि भाई बहुत सारे कोबल तो स्टोन। भाई अभी मैं कोबल स्टोन इकट्ठे करके वापस अपने घर पर आ चुका हूँ, और भाई टोटल हमने 20 कोबल स्टोन इकट्ठे कर लिए। तो भाई हम अगले भाई जो इसका एपिसोड है भाई उसमें हम भाई माइनिंग पर जाएंगे, जो भाई हमें अभी अभी तो हम फर्नेस बना लेते हैं, इसके लिए जो हमें भाई कोयला और भाई लोहा चाहिए उसके लिए भाई हम अगले एपिसोड में माइनिंग करने जाएंगे। तो भाई मैं अपना फर्नेस कहाँ से लगाऊँ, यहीं पर लगा लेता हूँ। तो लो गाइस हमारा फर्नेस भी 1 मिनट से थोड़ा सही करके लगा लेता हूँ, इसकी पोजीशन गलत हो गई। तो ये देखो भाई हमारा फर्नेस भी यहाँ पर लग चुका है। तो भाई बस आज की वीडियो में भाई इतना ही। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करो, और भाई शेयर करो, और भाई सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और बराबर में बेल आइकन है भाई उसको भी प्रेस कर दो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।